तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा वो तीन सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन जो कि आप लोग को 8,000 के दाम में काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो छोड़ कहीं मत जाना क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है अगर आप लोग 8,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट टू द वीडियो। तो दोस्तों जो हम लोग का नंबर 3 पे स्मार्टफोन आता है वो है पोको C3। जी हाँ दोस्तों, पोको का C3 जो कि काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है 8,000 के प्राइस में। और दोस्तों इसका प्राइस है 7,500 और 7,500 के दाम में इसमें हम लोग को 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें हम लोग को 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि होगी वाटर ड्रॉप नॉच। दोस्तों इसका डिस्प्ले काफ़ी कमाल का होने वाला है। और दोस्तों इसमें 5,000 की एक बिग मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी होती है। 5,000 की एमएएच की बैटरी 8,000 के अंदर हम लोग को जल्दी देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें हम लोग को देखने को मिलेगी। जितने भी स्मार्टफोन बताऊंगा उन सब में हम लोग को 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो तीनों ही में बैटरी आप लोग को काफ़ी अच्छे दिख जाएंगे, इसमें भी बैटरी आप लोग को काफ़ी अच्छा दिख जाएगा। और इसमें हम लोग को ट्रिपल रेयर कैमरा भी देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी कमाल के आप लोग के फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करेंगे। और इसमें हम लोग को 5 MP का मेन कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी आप लोग के अच्छे से सेल्फी लेगा। और दोस्तों इसका प्राइस जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ 7,500 और 7,000 के दाम में हम लोग को ये 32 GB स्टोरेज और 3 GB रैम प्रोवाइड करेगा। इससे भी ऊपर का एक वेरिएंट आता है जो कि 4/64 है, लेकिन वो 8,000 के ऊपर के दाम का है इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। तो दोस्तों अगर आप लोग को 8,000 के अंदर तक कोई स्मार्टफोन लेना है जिसका प्रोसेसर मतलब एवरेज हो, कैमरा ठीक ठाक हो और बैटरी भी अच्छी खासी हो तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों जो हम लोग का नंबर 2 पे स्मार्टफोन आ रहा है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से, अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ माइक्रोमैक्स N1B जो कि काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। और दोस्तों ये इंडियन स्मार्टफोन है मतलब इंडियन का है तो आप लोग इसे ले सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। और इसमें हम लोग को दोस्तों 8,000 का दाम है इसका, 8,000 एकदम राइट 8,000 इसका आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 8,000 इसका प्राइस है। और 8,000 के प्राइस में इसमें हम लोग को 4 GB रैम और 64 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा रैम चाहिए तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। और दोस्तों 4 GB रैम 64 GB के साथ साथ इसमें हम लोग को मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ प्रोसेसर मतलब प्रोसेसर तो सेम है ही, इसके साथ साथ डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही जो मैंने अभी स्मार्टफोन बताया है पोको C3 की तरह। इसमें भी हम लोग को 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड बोल रहा हूँ मैं IPS LCD डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच देखने को इसमें भी आप लोग को मिल जाएगी। इसमें हम लोग को 5,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ इसमें डिफरेंट है जो कि ये कैमरा। इसमें हम लोग को डुअल कैमरा देखने को मिलेगा 13 MP प्लस 5 MP का। और इसमें हम लोग को फ्रंट का जो कैमरा रहेगा वो 8 MP का देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को अगर ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए मतलब ज़्यादा अच्छा वारंट चाहिए तो आप लोग इसके साथ जा सकते हो। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों जो हम लोग का नंबर 1 स्मार्टफोन है वो है हम लोग का Realme Narzo 20 का A। जी हाँ दोस्तों, Realme Narzo 20 A, हालांकि इसका प्राइस अभी 8,999 है, लेकिन अगर आप लोग इसे सेल से खरीदोगे और थोड़ा बैंकिंग वाला करोगे तो इसमें आप लोग को इसका प्राइस 8,000 से कम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये 8,000 के प्राइस में हम लोग को काफ़ी कमाल की स्पेक्स प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 6.5 इंचेस की IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। इसके साथ साथ इसमें हम लोग को सबसे बेहतरीन इसका प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि अभी तक दोनों मैंने स्मार्टफोन बताया उसमें मीडियाटेक Helio G35 का था, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग को क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो ही काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है 8,000 के प्राइस में। तो दोस्तों अगर आप लोग को प्रोसेसर वाइज स्मार्टफोन लेना है तो आप लोग इसे जरूर लीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें हम लोग को 3 GB रैम प्लस 32 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जो ही काफ़ी अच्छा ही होता है, मतलब 8,000 के दाम में ये काफ़ी ठीक ही होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ इसमें हम लोग को कैमरा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जो कि होगा ट्रिपल रेयर कैमरा, और जो सामने का फ्रंट कैमरा रहेगा सेल्फी कैमरा वो इसमें हम लोग को 5 MP का देखने को मिल जाएगा। और हम लोग तो ये बात जानते हैं कि रियलमी के कैमरे अच्छे होते हैं। और दोस्तों इसमें हम लोग को 5,000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को अच्छा प्रोसेसर वाला एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो 8,000 के अंदर तक तो आप लोग इसे ले सकते हो। तो दोस्तों यही तीनों थे वो स्मार्टफोन जिसके बारे में आप लोग को बताया। अगर आप लोग को इन तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन कौन सा लग रहा है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं। सो तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।